अधिशासा महोदय धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया राज्यपाल के अभिभाषण पर, संशोधन पर। मेरे साथी बहुत उल्लेख कर रहे थे मुगलों की बात करते हैं, 800 साल पुरानी बात कर रहे हैं, अंग्रेजों को भूल गए, ये अंग्रेजों के मुखबर थे, अंग्रेजों को भूल गए, आजादी किसने दिलाई उस पर बात नहीं करते हैं। किसने ये मुल्क आजाद कराया? हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई। आज शानदार हम जगह बैठे हैं, ये आजाद मुल्क की मेहरबानी है, ये आजाद भारत की देश की बात है। ये काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, अरे काशी भी यही है, मथुरा भी यही है, हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहोगे। हमारा सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क दोनों का मिल्क है, ना हिंदू का है ना मुसलमान का, ये हमारा सबका मुल्क है। हमने इस मुल्क को आजाद कराया था, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आज इस मुल्क के अंदर हमारा क्या हालात है, अपनी मर्जी से जब ये मुल्क आजाद हो रहा था, जब ये मुल्क आजाद हुआ था, जिस वक्त बंटवारा हुआ था, अपनी मर्जी से हिंदुस्तान को हमने चुना था, अपनी मर्जी से हम हमारे हिंदुस्तान में रहे थे। आज ये हमको गद्दार कहते हैं, आज इस कहते हैं ये मुल्क इनका नहीं है। अरे हमारा मुल्क नहीं है, गिरा दो ताजमहल को जो अजूबा है, गिरा दो जो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं, गिरा दो उसको भी, तुम में हिम्मत हो तो। नहीं है हिम्मत आप में, आप हर जगह हर मस्जिद के नीचे मूर्ति निकलेगी, हमें हर तरह से सहमत है आपसे। अरे बनाओ कितने मंदिर बनाओगे, बनाओ कितने मंदिर बनाओगे, आप जितने चाहो मंदिर बना दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, और तुमसे हम पीछे रहने वाले नहीं है दोस्तों। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी के लोगों का क्या हालात कर दिया आपने, ज्यादातर खोप में जी रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये है सबका साथ सबका विश्वास। आज पूरे देखो जेलों के अंदर माइनॉरिटी के लोग, भोले भाले जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, इस मिट्टी में उनका खून है शामिल, आज उनको जेलों में डालने का काम कर रहे हो आप, भूल गए? अरे बड़े बड़े बादशाह इस देश के अंदर दुनिया के अंदर हुए, जालिम हुए हैं। जब जब जुलूम देश के अंदर दुनिया के अंदर बड़ा है, जुलूम फना हुआ है, आप भी फना हो जाओगे, जालिम भी फना होने का काम आपको। गांधी जी अब आके देख लो अपना हिंदुस्तान कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। बंद करो ये खून की होली, बंद करो ये खून की होली, मत मारो फिर गांधी के सीने में गोली। ये खून तो हिंदुस्तान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। आज इस मुल्क के अंदर आज फिरका परस्ती फैलाने का काम कर रहे हो, जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हो। अरे गीता भी हमारा है, कुरान भी हमारी है, तुम हमारे नहीं हो। तुम आप सब अंग्रेजों के मुखबर थे, आज इस मुल्क के मालिक बनने हो, आज बने हो इस मुल्क के मालिक। भूल गए अंग्रेजों को, एक अंग्रेज की बात नहीं करता, मुगलों की बात कर रहे हैं 800 साल पुराना। हमारा क्या रिश्ता मुगलों से? हमारा रिश्ता है इस हिंदुस्तान से, हमारा रिश्ता है इस भारत से, हमारा रिश्ता है आज से। आप हमको कुचलने का काम करोगे, आप हमको मारने का काम करोगे, आप हमको, अरे तुम्हें कम नहीं है हमको मिटाने का। दो चार चाहे जमाने के बावजूद, दो चार चाहे जमाने के बावजूद हम मिट नहीं सकेंगे, मिटाने के बावजूद। आज हमको तुमसे मिट जाएंगे, हम तुमसे मिट जाएंगे, हम तुमसे खत्म हो जाओगे। अरे आप खत्म हो जाओगे जालिमो, तुम जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, जुल्म हमेशा खत्म हुआ है, मिटा है। जरा शांति धारण करिए, अरे बोलने दीजिए ना माननीय सदस्य, बोलने दीजिए। जिस तरह से आप जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म पावन सिंह जी, ये जुल्म क्या बोलने का कारण है? अरे पावन सिंह जी बोलने दीजिए ना, कभी बोलने का पावन सिंह जी बोल रहे हैं, कभी बोलने का बोल नहीं रहे। माननीय सदस्य असंसदीय आचरण नहीं ठीक है, संसदीय भाषा का उपयोग करिए। बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए बोला जी, बैठिए। माननीय सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता है।
आप नहीं, यदि कोई भी असंसदीय शब्द सदस्य ने कहे हैं तो उन्हें कार्यवाही से तत्काल निकाल दिया जाए। माननीय अध्यक्षता महोदय जी, ये व्यवस्था का प्रश्न है। आज इन लोगों को भी एक शब्द अगर हमारे सदस्य से निकला जालिम कह दिया तो सबको मिर्ची लग गई। अभी चंद मिनट पहले एक विधायक, सुन लीजिए, चंद मिनट पहले हमको बाबर की औलाद कहा गया, चंद मिनट पहले हमको औरंगजेब की औलाद कहा गया, चंद मिनट पहले हमको मुगलों की औलाद कहा गया। तब ये चुप कहे बैठे थे, इनको तब संसदीय परंपराओं का ख्याल क्यों नहीं था? तब इन्होंने संसदीय परंपराओं की बात क्यों नहीं की? तब इन्होंने संसदीय परंपराओं की बात क्यों नहीं की? माननीय विस्थापन महोदय, यह नहीं चलेगा, ऐसे नहीं सुन सकते हम बैठने बात को। क्या हमको बाबर की औलाद कहो, मुगलों की औलाद कहो, औरंगजेब की औलाद कहो? सब लोग व्यवस्था बनाएंगे तो सदन ठीक से चलेगा। राकेश जी, व्यवस्था बनवाइए, सदन ठीक से चलेगा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य राकेश जी निश्चित रूप से अभी दिखवाए लेते हैं, इसको मैं दिखवाता हूं। अरे राकेश, कृपया व्यवस्था बनाएं। बोलिए आप। चलिए आप अपना पूरा करिए। आप बैठिए। अजय जी, मेरे पैमाने में कुछ, उसके पैमाने में कुछ, देख साकी तेरे मैखाने में ना हो जाए। हम सबके लिए लागू होता है। हम औरंगजेब की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद। हम बाबर की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद हैं। हमको ऐसा कहोगे तो सुनने की भी हिम्मत रखिए आप। ये हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। इनके लिए सब कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना। अजय जी, अधिजाति महोदय, उसी पर बोले, तुम भी कहां पे बोले थे भाई? आज पूरे मेरठ के अंदर मैं कहना चाहता हूं, जो एक तरफा कानून हमारे लिए ऐसा पैदा कर दिया है कि माइनॉरिटी के लिए कानून और है और दूसरे लोगों कानून और है। एक तरफा अध्यक्ष जी, देखिए आप बोले, टीपा का बोले अध्यक्ष जी, जब ये बोले थे कोई नहीं बोला था। अब ये देख रहे हैं, अब इनके मिर्ची लग रही है ऐसे बोले तो नहीं। अध्यक्ष जी, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे मैं दूसरी बार तीसरी बार हूँ, पांच बार मैं नगर निगम रहे हूँ, तो पहली बार जीत गए, तुम सिखाओगे मुझको? बैठिए, आप बोलिए, बहुत बोलिए, बैठिए। माननीय सदस्य,